हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमारे पास दो मोनोमियल टर्म्स दे रखे हैं, हमें उसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। एग्जाम्पल में इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होगा कि ए को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, तो हमारा मल्टीप्लाई कैसे होगा। पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी से, ए पहले मल्टीप्लाई होगा हमारा बी से, देन जो ब्रैकेट में साइन है वो साइन आएगा, प्लस में ए मल्टीप्लाई होगा हमारा सी से। इट मीन्स रिजल्ट क्या आएगा, ए बी प्लस में ए सी। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो, 2x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए को, जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को प्लस का साइन, और z जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को। तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, हमें क्या करना है, 2x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ में, फिर प्लस का साइन, फिर हमारा 2x मल्टीप्लाई होगा z से। तो आपका आंसर क्या आएगा, जब 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xz। ये आ गया आपका आंसर। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो, जो ए क्यूब है ना, पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी से। लिखते हैं ए क्यूब मल्टीप्लाई है हमारा ए स्क्वायर बी से। अब बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन। अब हमारा जो ए क्यूब है वो मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म से, यानी हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ए से। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ए की पावर कितनी होगी, 3 और 2 में ऐड करेंगे ए की पावर 5 बी, प्लस सेकेंड टर्म को सोल्व करते हैं, ए की पावर 3 और 1 ए की पावर 4 और बी स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, माइनस 4p, और ब्रैकेट के अंदर है 2pq प्लस 3p स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस 4p को मल्टीप्लाई करेंगे 2pq से, माइनस 4p मल्टीप्लाई 2pq। अब की बार क्या हो गया, मैंने पहले भी बताया था, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का है तो वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 4p। अब हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ में, मल्टीप्लाई होगा प्लस के 3p से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो गया, p और p को पावर स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो गया, और q। ऐसे ही हमारे पास माइनस के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और p है और द p स्क्वायर है, तो p की पावर क्या आ गई, 3। ये आ गया आपका आंसर। देखो, डी क्वेश्चन करते हैं। डी क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट के बाहर दे रखा है 4/5ab, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/10a² b² से। 4/5ab मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1/10a² b² से। अब हमारे पास क्या होगा, 4/5ab अगेन मल्टीप्लाई होगा हमारा माइनस का 3/7b से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 4/5ab मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको माइनस का 3/7b से। अब पहले देखो, कॉन्स्टेंट टर्म्स की फर्स्ट वाले जो फर्स्ट प्लस से पहले की फर्स्ट टर्म्स है ना, फर्स्ट मोनोमियल टू टर्म्स है, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 5 को 10 से, सिर्फ कोफिशेंट की मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। अब देखो, a की पावर 1 है, सेकेंड में 2 है, तो a की पावर क्या हो गया, 3। ऐसे ही b की पावर 1 है और 2 है, तो b की पावर हो गई 3। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में देखो, 4/5 के पास प्लस का साइन है और माइनस 3/7 के पास माइनस का साइन है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। कोफिशेंट की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 3 जा 12 एंड 7 5 जा 35। फर्स्ट टर्म में भी a है, सिर्फ a फर्स्ट टर्म में ही है तो a एज इट इज़। फर्स्ट टर्म में भी b है, सेकेंड टर्म में भी b है, तो b की पावर क्या होगी, 2। ये आ गया आपका आंसर। जो फर्स्ट कोफिशेंट है ना आपके पास, इसको आप और भी रिड्यूस करके लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 2/25 a³ b³ माइनस में 12/35 ab²
ये आएगा आपका कंप्लीट आंसर। ई पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले देखो 3/7 PQ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4P से। 3/7 PQ मल्टीप्लाई होगा हमारा 4P से। फिर अगेन हमारे पास जो 3/7 PQ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 9Q से। तो मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 3/7 PQ, मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास माइनस के 9Q से। अब फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, देखो कोफिशिएंट देखते हैं। फर्स्ट में आपके पास 3 है, सेकंड मोनोमियल टर्म का 4 है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, 7 एज इट इज़। पी और पी को पावर स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू एज इट इज़। प्लस माइनस देखो सेकंड में हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का। 3 और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशेंट की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 27/7 पी एज इट इज़ है, क्योंकि दूसरी टर्म कोई पी की है नहीं। क्यू में हमारे पास देखो, क्यू फर्स्ट टर्म में भी 1 है पावर, सेकंड में भी 1 है, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, जो पहली टर्म है 4x² उसको एज इट इज़ रखेंगे, प्लस का साइन। अब देखो सेकेंड टर्म में हमें क्या करना है, 3x को पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4x से। 3x मल्टीप्लाई हो गया हमारा 4x से। अब हमें क्या करना है, 3x को मल्टीप्लाई कराना है माइनस के 3y से, तो प्लस का 3x मल्टीप्लाई होगा हमारा माइनस का 3y से, और ये लास्ट में माइनस का 10xy एज इट इज आ जाएगा। 4x² एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 3 जा क्या हो गया 9xy, माइनस का 10xy। अब देखो अपने आप से ही लाइक टर्म्स आ गए हमारे पास, 4x और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16x². अगली भी हमारे पास xy की लाइक टर्म्स है, बट नेगेटिव साइन है, तो साइन माइनस का आएगा, बट टर्म्स प्लस हो जाएंगे। 10 में 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19xy। ये आ गया आपका आंसर। बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट में देखो दो माइनस का साइन मैंने रेड से इंडिकेट किया, उससे पहले जो दो टर्म्स हैं हमारी उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में जो दो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं ए बी सी को मल्टीप्लाई कराती हूँ 4B² से। ए बी सी को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, ए बी सी मल्टीप्लाई होगा हमारा 4B² से। देन ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9A² से, प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 9A² से। अब सेकंड जो माइनस के बाद की जो टर्म्स नज़र आ रही हैं आपको, उनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यानी हमारे पास जो 3/2A² B हैं, ये माइनस की टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे पहले a से। तो माइनस का 3/2A² B को मल्टीप्लाई कराएंगे हम a से। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो ये माइनस का 3A² B है, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस के सी से। माइनस का 3/2A² B मल्टीप्लाई सी। अब इसको देखते स्टार्टिंग से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए बी सी के पास कोई कोफिशियंट नहीं है तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4 कोफिशियंट आ गया। अब ए एज इट इज़ देखो, बी है और बी स्क्वायर है, बी की पावर हो जाएगी 3 और सी। प्लस में नेक्स्ट टर्म में भी हमारे पास ए बी सी के पास कोई कोफिशियंट नहीं है, 9A² है, तो कोफिशियंट हमारे पास क्या आएगा 9। अब ए है और ए स्क्वायर है तो ए क्यूब हो जाएगा, बी सी हमारे पास एज इट इज। अब माइनस का 3 कोफिशियंट हमारे पास क्या है, माइनस का 3/2 है, क्योंकि दूसरे टर्म के पास तो कोई कोफिशियंट ही नहीं है, 1 ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 3/2। अब ए स्क्वायर और a की पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब b एज इट इज़। अगेन माइनस का साइन, कोफिशियंट 3/2 है, क्योंकि c की टर्म के पास तो 1 कोफिशियंट है, तो कोफिशियंट तो क्या आएगा 3/2। अब की बार क्या आ जाएगा a² b c। तो सारे के सारे आपके पास क्या आई है, डिफरेंट टर्म्स आई है, तो ये आ गया आपका आंसर।
सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या, आपके पास ए स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई है बी माइनस सी से, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे बी से, फिर हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे सी से। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी आएगा, माइनस ए स्क्वायर को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी आएगा। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, माइनस के बी स्क्वायर को पहले सी से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर सी। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर भी हमारा माइनस का है और अगली टर्म जो माइनस की ए है वो भी माइनस का है, तो सबसे पहले माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन हो जाएगा प्लस का, और बी स्क्वायर को जब ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर ए आएगा। नेक्स्ट हमें माइनस सी को किससे मल्टीप्लाई कराना है, सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई कराना है, तो जब माइनस सी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस सी स्क्वायर ए आएगा। अब अगेन माइनस के सी स्क्वायर ए को हमें मल्टीप्लाई कराना है माइनस के बी से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास आएगा सी स्क्वायर बी, और ये आ गया आपका आंसर। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया टर्म। डी पार्ट करते हैं डी पार्ट में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3/2 y² है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कोफिशेंट तो हमारे पास 3/2 एज इट इज आएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, y स्क्वायर बाहर है y स्क्वायर अंदर है, तो पावर हो जाएगी y की पावर 4। अब हमें क्या करना है, 3/2 y² को हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, कोफिशेंट सेम रहेगा 3/2 y². अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है ब्रैकेट के बाहर माइनस का 3/4 y, अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर y क्यूब से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास साइन माइनस का आएगा 3/4 y³ + 3 और 1 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, y की पावर 4। अब हमें क्या करना है, माइनस का 3/4 y है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमारे पास साइन चेंज होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कोफिशेंट सेम 3/4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म y आ जाएगा 3/4 y। नेक्स्ट देखते हैं ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है, 1/4 y² है, इसको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस कोफिशियंट सेम आएगा 1/4, पावर ऐड हो जाएंगी y की पावर 4। अब फिर हमें क्या करना है, 1/4 y² को हम y से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो से अगेन हमारे पास कोफिशियंट तो सेम ही रहेगा 1/4 y की पावर अब 3 हो जाएगी, 2 बाहर है और 1 ब्रैकेट के अंदर है। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, तो सबसे पहले आपको नज़र आ रही है यहाँ पे y की पावर 4, उसको लेते हैं, एक y की पावर ये रही हमारे पास, एक y की पावर 4 ये है, एक y की पावर 4 ये है एंड ये है, हम इनको लिखते हैं, प्लस वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, 3/2 y² प्लस में 1/4 y² और देन हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3/4 y² y³, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y³ की टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, तो सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी, प्लस का 1/4 y³, और y की टर्म भी हमारे पास एक ही है, प्लस का 3/4 y। अब जो हमारे पास y की पावर 4 है उसमें हमारे पास देखो दो, जो ये दो टर्म्स हैं इनका तो डिनोमिनेटर सेम है बट इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4, 2 + 4 होता है 3, 2 + 6, 6y³, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, प्लस का 4 और हमारे पास क्या आएगा, -3y⁴। 6y⁴ प्लस y की पावर 4 माइनस 3y⁴/4। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 6 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 7y⁴ माइनस 3y⁴/4। अब 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4y⁴/4 और 4 से 4 कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, y⁴ only। हमने यहाँ पे 3 - 3 ये इन तीनों को सोल्व करके हमारे पास आया y⁴, लेकिन ये हमारे पास जो -3/2 y² था ये रह गया था, इसको भी लिख लेते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, y⁴ है, क्यूब की टर्म में 1/4 y³, स्क्वायर की टर्म को आगे लिख लेते हैं -3/2 y² और प्लस में हमारे पास क्या है, 3/4 y, तो ये आ गया आपका आंसर।
ई पार्ट करते, ई पार्ट में भी हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को ओ को मल्टीप्लाई कराना है हमें ए ब्रैकेट के अंदर, जो ए स्क्वायर प्लस वन है, तो वन बाय वन मल्टीप्लाई करते, ए स्क्वायर को पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आएगा ए की पावर फोर। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई कराना है, ए स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का ए स्क्वायर ही आएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस का ए क्यूब है, पहले हम इसको ए से मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन तो हमारे पास आएगा माइनस का ए की पावर फोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, माइनस के ए क्यूब को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का ए क्यूब आएगा। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, माइनस ए को ए क्यूब से मल्टीप्लाई कराना है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ए की पावर फोर हो जाएगी। अगेन अब हम क्या करेंगे, माइनस के ए को माइनस के ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में साइन प्लस का हो जाएगा और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे देखो ए की पावर फोर प्लस में है, ए की पावर फोर माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ए माइनस ए की पावर फोर, फिर हमारे पास आएगा माइनस ए की पावर थ्री, फिर आपके पास आएगा प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास दो हैं, ए स्क्वायर प्लस अगेन ए स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस की ए की पावर फोर माइनस ए क्यूब और ए स्क्वायर ऐड होंगे तो प्लस का टू ए स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर।